डीएवीपीजी कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संदर्भ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। सांस्कृतिक क्षेत्र में भाषा, साहित्य और मीडिया की भूमिका का विस्तार पूर्वक अवलोकन करने के उद्देश्य से डीएवीपीजी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा आगामी 12 एवं 13 अक्टूबर को सांस्कृतिक अध्ययन, भाषा, साहित्य एवं मीडिया विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में भारत के अलावा विदेशों के विद्वान भी विचार रखेंगे। कार्यक्रम समन्वयक डॉ इंद्रजीत मिश्रा ने बताया कि इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में पोलैंड, इंग्लैंड, रूस, यूक्रेन, नेपाल आदि देशों के वक्ता एवं प्रतिभागी दोनों शामिल होने जा रहे हैं, जो संस्कृति के विविध आयाम पर चर्चा करेंगे। 12 अक्टूबर गुरुवार को उद्घाटन सत्र में ICSSR के सदस्य सचिव प्रोफेसर धनंजय सिंह मुख्य अतिथि होंगे। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने विषय के बारे में विस्तार रूप से चर्चा की, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये विषय आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस ये विषय का दायरा बहुत बड़ा दायरा है। इसमें जाति, रेस, नेशनलिटी, विभिन्न मुद्दे आते हैं और ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे हम सभी का लेना देना है, चाहे हम अंग्रेजी विषय के हों या ना हों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से, इस 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया कि यूक्रेन, रसिया, प्रोफेसर धनंजय सिंह जो कि ICSSR मेंबर सेक्रेटरी हैं, सुमित अवस्थी जी जो NDTV के एसोसिएट एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वैलिडिक्ट्री फंक्शन में। सो इस कार्यक्रम से जुड़े हर व्यक्ति, हर पार्टिसिपेंट लाभान्वित होगा और एक एक विषय पे ये सार्थक चर्चा होगी। मुख्य रूप से जो भाषा का रोल है वो सिनेमा में, मीडिया में और साहित्य में, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह के कल्चरल पैराडाइम हमारे संस्कृति में अब नए रूप ले रहे हैं, उनका क्या उपयोगिता है, कहाँ तक वो सार्थक हैं, कहाँ तक ये सार्थक है, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। और हमारे सभी जो रिसोर्स पर्सन हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मेंबर सेक्रेटरी ICSSR लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, जैसा मैंने बताया सुमित अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अनुराग दवे हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जर्नलिज्म से हमारे साथ जुड़ेंगे, तथा विभिन्न देशों के लोग रसिया, यूक्रेन और नेपाल से हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सो हमें आशा है कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही लाभदायी होगा। सर 12 और 13 तारीख को हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें हमारे डेलीगेट्स पोलैंड से हैं, यूके से हैं, यूक्रेन से हैं, और ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम कल्चर स्टडीज़ की बात करेंगे। कल्चर स्टडीज़ जो विषय है बहुत इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस का है, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें हम कल्चर के साथ जो कुछ भी कल्चरल आस्पेक्ट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे कि कैसे कल्चरल पॉलिटिक्स होती है, कैसे कल्चरल डोमिनेशन होता है, कैसे कल्चर को रीफॉर्म और प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे गवर्निंग क्लास वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉयट करता है कल्चर के नाम पे, ये सारे डिस्कशंस होंगे। और कल्चरल वैल्यूज़ की बात की जाएगी कि जो हमारा इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है उसको हम कैसे अपहोल्ड करें और कैसे भविष्य में उसको संजो के रखें, जो हमारी असली खाती है। इसमें करीब 125 एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास आए हैं स्कॉलर्स और टीचर्स के, रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स के ऑल ओवर इंडिया से, हैदराबाद से है, उड़ीसा से है, MP से है और राजस्थान से है, लखनऊ से है, रशिया, यूक्रेन और पोलैंड, नेपाल, इन देशों के प्रतिनिधि आएंगे और अपनी बात यहाँ पे करेंगे और अपने हिसाब से कल्चरल स्टडीज़ को डिफाइन करेंगे। इस आयोजन से हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत लाभ मिलेगा और हमारे टीचर्स कम्युनिटी को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि नई न्यू एरिया ऑफ स्टडी है ये। एक्चुअली इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हुआ था 1960s में और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड है जिसमें बहुत सारे रिसर्च वर्क हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स बेनिफिटेड होंगे और सबसे बड़ी बात कि जनरल मासेस को ये पता चले कल्चरल पॉलिटिक्स क्या होती, कल्चर को कैसे कैसे कल्चर का सहारा, कोई कल्चर
इनोसेंट नहीं होता, सारे कल्चर में पावर इन्वॉल्व होता है और उस पावर की प्रैक्टिस कल्चर के माध्यम से, कल्चर क्या है, आइडियोलॉजी है, कल्चर क्या है, एक तरह का व्यू पॉइंट है जो दूसरों पे इम्पोज किया जाता है। हमेशा छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप को अपने अंदर में रखता है, अपने अंडर में उसको कंट्रोल करता है, उसी को कल्चरल पॉलिटिक्स कहते हैं।